क्या गाइस आप एक बहुत बड़ा ग्रेनेड प्लेयर बनना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि ग्रेनेड की कौन सी टिप यूज करके आप एनिमी को बहुत ही इजीली किल कर सकते हो या क्वाड्रा भी मार सकते हो, तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रेनेड की टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स। और हाँ गाइस, अगर आप इन ट्रिक्स का अच्छे से फॉलो करते हो ना तो यकीन मानो गाइस आप एनिमी को बहुत ही इजीली किल कर सकते हो। और हाँ, मैंने इससे पहले ना एक दो और वीडियो बना रखी है तो आप उनको जाकर के जरूर से चेक कर लेना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहली टिप के अंदर ना आपको गाइस एक करेक्टर का यूज करना पड़ेगा। उस करेक्टर का नाम है ओमर, जिससे गाइस आप ग्रेनेड से जो एनिमी को बहुत इजीली किल कर सकते हैं। आइए क्लिप के साथ समझते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको जो ये ओमर का ड्रोन रहेगा ना, इसको ऑन कर लेना। और ये जैसे ही ड्रोन ना एनिमी को जाकर के हिट करे तभी आपको ग्रेनेड कुक करना स्टार्ट कर देना। और कुक करने के बाद जहाँ पे हिट किया ना वहीं पर ही आपको ग्रेनेड फेंक देना। और ग्रेनेड जैसे ही आप फेंकोगे आप देखोगे कि एनिमी नॉक हो जाता है। इसी तरीके से आप एक या दो या फिर काफी एनिमी को बहुत इजीली किल कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिप की ओर। सो गाइस, अपनी नेक्स्ट ट्रिप के अंदर आपको क्या करना रहेगा, जैसे ही आपको एनिमी की लोकेशन पता चले आपको पता ही आपको ग्रेनेड कुक करना है पर थ्रो करना है। लेकिन जैसे आप थ्रो करोगे ना आपको जंप करके थ्रो करना है, जिससे कि ग्रेनेड की जो ज्यादा रेंज बढ़ जाएगी और ज्यादा दूर तक ग्रेनेड जाएगा, जिससे कि अपने एनिमी को बहुत ज्यादा इजीली किल कर सकते हो। तो गाइस ये वाला टिप जो है हर एक बंदा यूज करता है, लेकिन काफी सारे जो न्यू प्लेयर्स है ना वो इसका जो है यूज नहीं करते है। तो गाइस इसे जरूर से यूज करके देखना। चाहिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। सो गाइस, अपनी थर्ड ट्रिक के अंदर आपको एक करेक्टर का यूज करना पड़ेगा। उस करेक्टर का नाम है ओरियन। आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास ओरियन करेक्टर है। मैं यहाँ पे ग्रेनेड करता हूँ और ग्रेनेड करके ना एकदम सामने होकर ग्रेनेड करता हूँ और यहाँ पे मैं ओरियन बन जाता हूँ, ताकि मेरे को कवर मिल जाए और जो भी बंदा सोनिया बना ना वो जल्दी नॉक हो जाए और यहाँ पे मेरा द्वारा चार्ज हो जाता है और उनका। ये वाला ट्रिक है ना बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया ट्रिक है। और इस वाली जो ट्रिक है ना, इसको पर्सनली मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा यूज किया मैंने, अपने फ्रेंड्स को भी बताया इस ट्रिक के बारे में और वो भी इसका यूज करते हैं। तो गाइस आप भी इसे एक बार जरूर से यूज करके देखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट ट्रिक के अंदर आपको एक करेक्टर का यूज करना रहेगा। उस करेक्टर का नाम है A124। गाइस देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज करना। आपको क्या करना रहेगा, जैसे ही एनिमी की लोकेशन आपको पता चले वहां पे इस A124 को यूज कर देना है और यहाँ पर ना आपको जो है ग्रेनेड कर देना कुक। और जैसे ग्रेनेड उसको ऊपर जाएगा वो नॉक हो जाएगा। देखो गाइस, इसका ये आपको फायदा मिलेगा कि सामने वाला एनिमी रहेगा ना उसका जितना भी स्किल रहेगा ना वो ब्लॉक हो जाएगा, जिस वजह से आप बहुत ही ज्यादा इजीली एनिमी को किल कर सकते हो। क्योंकि उसकी सारी जो अपनी जो स्किल रहेगी वो तो हो चुकी है ब्लॉक, अब आप उसको बहुत इजीली किल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट ट्रिक के अंदर आपको एक करेक्टर यूज करना रहेगा। वो करेक्टर अपना सेंटिनो करेक्टर। देखिए कैसे करना यूज, मैं चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना रहेगा, आपको जो आपका डमी रहेगा ना वो किसी भी सेफ जगह पे छोड़ देना है और उसके बाद आपको एनिमी के पास में जाकर के नेड कर देना। देख सकते हो यहाँ पे साइड में एक एनिमी रहता है, मैं यहाँ पे एनिमी के ऊपर यहाँ पे नेड करता हूँ और नेड करके ना वैसे ही फेंक देता हूँ डमी के ऊपर चला जाता हूँ। देखते मैं यहाँ पे सेंटिनो करेक्टर यूज कर लेता हूँ, बहुत ही इजिली मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। देखो ये वाला ट्रिक बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया है, ताकि आप एनिमी को बहुत इजिली इससे किल कर सकते हो और उसको पता भी चलेगा कि आप कहाँ चले गए। तो यही थी अपनी टॉप 5 ग्रेनेड की टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। Can anybody out there hear me?